नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मिनट बाद देश को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार DCGI ने 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। देश में फिलहाल COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के 400 से अधिक मामले आ चुके हैं, इसीलिए आप वैक्सीन लगा लें और मास्क और सैनिटाइजर का यूज फिर से करना शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, उसका नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है। इसके बाद मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु ने एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वह शक्तिशाली उम्रदराज अमीर शख्स या संघर्ष कर रहे युवा में किसे डेट करेंगी। उन्होंने कहा, मैं एक संघर्ष युवा से डेट करना चाहूँगी, मैंने खुद संघर्ष किया है। हरनाज ने कहा, मेरा मानना है कि संघर्ष करना ज़रूरी है, तभी हम अपनी उपलब्धियों को महत्व दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बात कही है इन्होंने। यहाँ हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। देर रात महिला के बिस्तर पर बैठना और उसके पैरों को छूना उसका सील भंग करना है। हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट एक महिला का सील भंग करने का दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उसके पड़ोसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माना है कि देर रात एक महिला के बिस्तर पर बैठना और उसके पैर को छूना उसका सील भंग करने के समान है। दूसरी एक रात महिला के पति की गैर मौजूदगी में उसके घर में घुसा था, तो उसका क्या मकसद होगा आप सबको जानते होंगे, तो ऐसा करना गलत बात है। फंडिंग मिली थी, मस्क ने अपना पैसा और स्टेटस भी लगा दिया। मस्क ने लिखा कि बहुत मुश्किल साल था। टेस्ला को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे फंडिंग मिली थी, वह संभवत आखिरी दिन था, आखिरी घंटा था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल से 18 साल की आयु के बीच की जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में टीकाकरण प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन में इसकी शुरुआत की जाएगी। बकौल PM इसमें स्कूल कॉलेज जा रहे बच्चों की चिंता कम होगी। सिडनी टेस्ट में मैच ड्रा कराने के लिए चोटिल होने के बावजूद 3 घंटे से अधिक समय तक बल्लेबाजी करने को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं मैदान में कैसे गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रद्द हो चुके 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के हम एक कदम पीछे हटे हैं और फिर बढ़ेंगे बयान का निंदनीय बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माफ़ी का अपमान किया है। उन्होंने लिखा, अगर किस कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता जो अन्नदाता है फिर से सत्याग्रह करेंगे, महात्मा गांधी की राह पे चलेंगे। 83 में PR मानसिंह की भूमिका निभाने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मुझे 1978 में पता चला कि भारत में 1983 में विश्व कप जीता था। उन्होंने आगे कहा, तब मैं लगभग 7 से 8 वर्ष का था और गांव की गिल्ली डंडा खेला करता था। उस समय हमें नहीं पता था कि लंदन में भी भारत इस इतिहास है वो रच रहा है। गायिका लिस जिटार्टन अमेरिका ड्रामा सेक्स एंड द सिटी फेम अभिनेता क्रिस नाथ पर यौन संबंध उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 4थी महिला बन गई है। उनके मुताबिक 2002 में उनके अपार्टमेंट में क्रिस ने उन्हें जबरन किस किया और उनके स्तनों को छुआ। बकौल लिसा, क्रिस ने यह बात किसी को बताने पर कैरियर बर्बाद करने की धमकी भी दी थी। यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित इकराना क्रिकेटम स्टेडियम में प्रदेश के विद्यार्थियों को 1 करोड़ निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के साथ अभ्युदत कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। चुनाव में जीतने के लिए एक स्टंट हो सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कैट विंस्लेट ने टाइटेनिक और रेवोल्यूशनरी रोड के एक अपने को स्टार लियोनार्डो डी के प्रियो के करीब 3 साल के बाद हुई मुलाकात को लेकर बताया कि मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, दुनिया भर